करे मत ना हो मेरे नाम जाया बीरे हेरी कोने भात भरे कभी नहीं भरा करता सासू माँ। पहली बात में क्या कहने लगी, फिर गोली ते भी जादारी हो से हो गोली का असर दे हो पड़े जाता फरक बात में हो पड़े जाता फरक बात में आपने मेरी शादी की थी। दूसरी बात के माध्यम से कैसे हरनंदी अपनी सासू को समझा रही है, क्या लिख दिया, फिर टूक बड़ा खा ले पर बाड़ी बातों ते डरारी करे से करे से मेरी
ढलती फिरती ढलती फिरती छाया री सासू घना घमंड न करारी करे से ओ घना घमंड न करारी करे से हो री जिनके बात सा मर्यारी करे से करती है कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है और नर से बड़ा बलवान सासू माँ ये समय होता है। समय से आदमी को हमेशा डर के रहना चाहिए, पता नहीं कब किस आदमी का समय बदल जाए, किसके पास अमीरी आ जाए, किसके पास गरीबी आ जाए, ये तो आनी जानी माया होती है। कैसे कहने लगी तीसरी बात की तू जात बिगाड़े मत ना हो तू जात बिगाड़े मत ना मेरी किसके घर ले जाके बैठूं हो धक्के ढोल उघाड़े मत ना हो धक्के ढोल फकीर हेरी कोड़े बात भरे मेरा बापुल हुआ री फकीर बिखरे थी बाबुल का वक्त बिगड़ेगा बाबुल का वक्त बिगड़ेगा गुरु चंद्र लाल कहे मजबूरी में हो तेरा ताना सुने ना पड़ेगा हे तेरा ताना सुने ना पड़ेगा
बंधे लक्ष्मी हेर मत ना छोड़ो हेर सतने रे हेर इंसान पे करा दिए ये सत की बंदी बंधे लक्ष्मी ये सत की बंदी बंधे लक्ष्मी ये मत ना छोड़ो सतने इंसान पे करा दिए लड़के के काम बखते हो इंसान पे करा दिए लड़के के काम बखते राजा नल का किस प्रकार से होता है साथियों, आपकी जिंदगी का भी इम्तिहान चलता है कभी कभी, अवलोकन कर लिया करो, देख लिया करो, पीछे मुड़ के भी आगे आगे बढ़ते जा रहे हो। कैसे बताया, हे रही एक वक्त में राजा नल के आये कर्म यगाड़ी फिर एक वक्त में पासे बनके नलकी हवा बिगाड़ी फिर एक वक्त में दमयंती की खिलरी थी फुलवाड़ी फिर एक वक्त में ऐसी सुहाड़ी बन में काटी साड़ी एक वक्त में ऐसी सुहाड़ी वन में काटी साड़ी फिर सोचू सो कुछ हो जा से कुछ सोचू सो कुछ हो जा से कुछ इसी बार के वक्त में इंसान पे करा दिए जब के काम बताते हो इंसान पे करा दिए लड़के के काम बताते हैं से दिन और रात वक्त से कल और आज वक्त की हर शै गुलाम वक्त का हर शै बेरा जिंदगी नहीं चल सकती। प्रेम बहुत जरूरी होता है लेकिन प्रेम की परिभाषा समझ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत विस्तृत है प्रेम का परिभाषा। भाई प्रेम बहन भाई का हो सकता है, बाप बेटे का हो सकता है, चाचा भतीजे का हो सकता है, मामा भाणजे का हो सकता है, बहन भाई का प्रेम होता है, दोस्तों का प्रेम भी अगाध होता है। एक प्रेम कहानी हुई हीरे रांझे की, लेकिन आजकल के नौजवानों के लिए सबक है वो प्रेम कहानी। नौजवानों के लिए ये अंतरा जो है ना नौजवानों को समर्पित है, जो नौजवान इस धर्म के काम में शामिल हुए हैं वो कृपया ध्यान दें हमारे नौजवान साथी। हीरांझे का प्यार पवित्र था, वासना मुक्त था, वो प्रेम था, त्याग था, जिसमें त्याग होता है उसे प्रेम कहते हैं। आजकल का वाला सिस्टम नहीं है कि भाई धक्का पेल मचा रहे, ना गांव देख रहे, ना गोत देख रहे, ना गांव देख रहे, अब प्रेम कहानी हो गई है शुरू। किस प्रकार से बताया क्या प्रेम था, छोड़ के वो रंजा पीर बढ़िया था फिर एक वक्त में हीरे गलिया सांझा सिर बढ़िया था फिर एक वक्त में पाली बढ़ के
सर पे चीर धरा था। हे रही एक वक्त में धारा फूक्या पर मैं फकीर बढ़ा था। एक वक्त में धारा फूक्या पर फकीर बढ़ा था। हे रमन का महल चिड़ा हुआ ढेला, सबको पता है, छोटे बच्चों को पता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए, कमजोर को नहीं सताना चाहिए। और जब भी धन और बल अगर इंसान के पास आता है तो ये समझ लेना चाहिए कि वो खालिस उसके लिए नहीं है, कहीं ना कहीं मदद में जरूर लगाना चाहिए, रिश्तेदारों में, यारों में, जहां जरूर थे वहां जरूर कर देना चाहिए मदद, इसलिए भगवान देता है। यो नहीं भाई गोली भर के बैठ यार, बेड बेड में भी नोट है, लेटरिन में भी नोट ही है, उनका कोई उचित नहीं है। एक कहानी शुरू हुई, सत्य पर चलने की कसम खाई राजा हरिश्चंद्र ने, किस प्रकार का इम्तिहान हुआ, क्या क्या करना पड़ गया, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। कैसे बताया, हे रही एक वक्त में हरिश्चंद्र की हुई सुना तू कहानी। हे रही एक वक्त में तीनों बिक गए लड़का राजा रानी। हे रही एक वक्त में काले के घर भरता देख्या पानी। हे रही एक वक्त में मटका फूटा लात कमर में दानी। एक वक्त में मटका फूटा लात कमर में मारी। बहुत ही आदरणीय, बहुत ही विद्वान श्रोताओं, आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, रागणियों के बड़े शौकीन हैं, आपको नमन करते हैं, क्योंकि रागणियों का स्वरूप भी बिगड़ता जा रहा है, लेकिन आपने थामे रखा है। सरदारी को नमन करते हैं, हमारी माताएं बहने भी है, उनको भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं उनके चरणों में भी। किस प्रकार से आखिरी बात के द्वारा, पता नहीं समय का कौन सा फल है, किस्मत को इधर से उधर बदल दे, उधर से इधर बदल दे, इसलिए धर्म के काम को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म को हमेशा साथ रखना चाहिए। कैसे बताया, पागल हो जा एक मैं हो जा श्याणा। हे रही एक बखत में बैठ के खा ले एक मैं पड़े कमाना। हे रही एक बखत में रोड़ा मिल जा एक मैं मिल जा गाना। हे रही एक बखत में मिले परोना एक मैं मिले बटाना। एक बखत में निकल रमेर सिंह का निकल तब पड़ पड़ रोयो खतरे। ओ इंसान पे करा दिए लड़के के काम खतरे। ओ इंसान पे करा दिए लड़के के काम खतरे।
माता एक मौसी बाबा पूर्ण मन से नाम मेरा पूर्ण मन से नाम मेरा हो सिंगराना का बेटा सुनवे शानकोट से गांव मेरा एक माता एक मौसी बाबा पूर्ण मन से नाम मेरा पूर्ण मन से नाम मेरा ज्यादा मौसी ने समझू था थोड़ी जानी थी माता वो थोड़ी जानी थी माता है मौसी ते गया मिलने एक दिन ना आगे हाल कहा जाता धरती अंबर या तो धरती अंबर फिर जाएंगे गुरु एक बात का ना पाता वो एक बात का ना पाता माता एक मौसी बाबा पूर्ण मन से नाम मेरा पूर्ण मन से नाम मेरा मौसी को मां से ज्यादा समझ के आशीर्वाद लेने के लिए महल में गया लेकिन मौसी ने जब मुझे देखा तो मौसी के ख्याल बदल गए मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींचने लगी बाकी हवाला अगली गली के माध्यम से सास खींच के न्यू गोली मेरी छाती में चुटकी भर गए वो छाती में चुटकी भर गए ए मौसी ना मैं तेरी लुगाई गोली दूर शर्म करके शर्म समझ के बाजरिया मेरी काया का गई डर के काया का गई डर के पूरण मन से नाम मेरा पूरण मन से नाम मेरा पिता मेरा भुलवा महलों में झूठी साची गई चचा झूठी साची गई चचा गई बच्चा मेरे मारन का हुक्म दिया तब चार कोट में सोर बच्चा चार कोट में सोर बच्चा जंगला तो हाथ सौंप दिया पिता बोला न
जाना मेरा ओ एक माता एक है मौसी बाबा पूरन मन से नाम मेरा पूरन मन से नाम मेरा बताया कि मेरे पिता ने मुझे जल्लाद का हाथ सौंप दिया और जल्लाद वहां से मुझे लेकर के चल पड़े। किस तरह बताया अगली गाड़ी के माध्यम से हुए सारी नगरी रोवे थी करे राजा नया घेर दिया राजा नया घेर दिया हाथ पैर मेरे काट दिए मेरी कर काया का ढेर दिया दया करी फिर जल्लाद ने ठाकुर में घेर दिया ओ ठाकुर में घेर दिया मेरा एक माता एक मौसी बाबा पूर्ण मन से नाम मेरा पूर्ण मन से नाम मेरा हो श्री राजा का बेटा सुन सर मन से नाम मेरा एक माता एक मौसी बाबा पूर्ण मन से नाम हिर सो पड़े मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में हिर भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंदी मकान में आई किस तरह से क्या कर जाती है हिर सो पड़े मुसीबत बेटा सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में ओ भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंदी मकान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंदी मकान में सो पड़े मुसीबत बेटा सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में ओ भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंदी मकान में भगत सिंह कद जी
भगत श्री कर जी बादल पड़गी मलनी ये बादल पड़गी मेरी कच्ची असनाई में हुंदी मेरा नेग बिगाड़गी से बरसने मलन बादल पड़गी मलन बादल पड़गी मेरी कच्ची असनाई में हुंदी मेरा नेग बिगाड़गी ओरा से बरसने मलन बादल पड़गी मलन बादल पड़गी
गावे सते कड़वे बोला की सेल मेरे कड़वे बोला की सेल मेरे कति पर लंगाड़ी पूरा से वरसले वालर बादल पहाड़ की बादल पहाड़ की से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना तन्हाई में दर्द में रुसवाई में भीड़ में तन्हाई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो मुझे तुम याद आते हो साथियों ना वो जवानी है हम में ना वो रवानी है ना वो उसनो अंदाज है हमारे पास तो अपने भाइयों को अपने श्रोताओं को देने के लिए केवल एक आवाज है। आखिरी बात के द्वारा इस प्रकार से पंडित लक्ष्मी जी ने कैसे बताया बाजाने सुने खेती
चढ़ावे राजाने लक्ष्मी चल के हजारे हेरे लक्ष्मी चल के हजारे और किसी सहारे की होया से बरसर मलर बादल पाड़ की बादल पाड़ आपका हमारा रिश्ता आप हमारे कौन है? कोई आपको चाचा कहता है, कोई ताऊ कहता है, कोई कुछ कहता है। बड़ा प्यारा रिश्ता बनाया रब ने। हो रब ने बनाया तुम्हें हमारे लिए, हमें हमारे लिए, रब ने बनाया तुम्हें हमारे लिए, हमें हमारे लिए। धड़काया मरा हारे लिए धरा हारे लिए आए रब ने बनाया तुम्हें हारे लिए हमें हारे लिए। दूसरी कली में गुरुजी ने लिख दिया कि इंसान 84 लाख योनि भोगने के बाद इंसान का चोला मिलता है। सबसे सुंदर तुझे शरीर मिला है, सबसे तेज दिमाग मिला है, सबसे अच्छे साधन खाने पीने उड़ने पहनने के लिए सबसे पहले तेरे लिए बनाए हैं। जिस भगवान ने सब कुछ तेरे लिए बख्शा उसी को तो भूलना है। आइए दूसरी कली के माध्यम से क्या बताया। तीसरी कली में कवि ने बताया कि दुनिया के अंदर कर्म प्रधान है, जो जैसे कर्म करता है उसे वैसे फल मिलते हैं। जिसमें किस तरीके से एक उदाहरण दिया छोटा सा, आइए सुनते कली के माध्यम से। चौथी कली में बिल्कुल स्पष्ट दिया गुरु जी ने, जिसमें बताया कि इंसान बचपन मां की गोद में हस्केल बिता दिया, जवानी अपने ऐशो आराम में बर्बाद कर दी, जब बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापे के बाद जब तेरा अंतिम समय आएगा, जिस कुटुंब परिवार की तेर पेर में तू बैठा है कोई तेरे साथ देने वाला नहीं है, केवल वो भगवान को याद करने अभी भी वक्त है। चौथी कली के माध्यम से किस तरह लिख दिया है। जय खोरी वाले रहे बाबा मोहन राम सब जग मालिक तुही जी, वो भी इस भजन पे बाबा मोहन राम के चरणों में 100 रुपए से हाजिरी लगाते हैं। क्या लिख दिया अरे पर्वत ऊपर बनिया हुई तेरा मंदिर आलीशान
पर्वती ऊपर बनया Oh,
अरे पूजक ने मनोज कारना मनोज करे ना भजन करे सुबह शाम मनोज करे ना भजन करे सुबह शाम बोलिए बाबा मोहन राम की अरे तो हो ऐसी घटना ना घटे और बताइए क्या देखा था आया नहीं तेरा लाल पड़ पड़ के सब घर में आ
के इसमें है कोई गहरी चाल, चूड़ी चटकी चूड़ी चटके मोती टूटे We'll be right back.
मेरा रंग दे बसंती चोला माँ मेरा रंग दे बसंती चोला ये कहता सीना तान चला जबे मनमानी होगी उस आजादी के दीवानों की दीवानी होगी पूरी भारत माता की और आइए मेरा रंग दे बसंती चोला माँ मेरा रंग बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला माँ मेरा रंग दे बसंती चोला कहता सीना तान चला कहता सीना तान चला जब मनमानी होगी नहीं बिगोता था भारत माँ के साथ शेर जला कर पलके नहीं
तिरंगा लहराए आज तिरंगा लहराए जो देश खातिर सदियों में सदियों टुकड़ों में फहराए जो देश खातिर टुकड़ों में सदियों दरियों में फहराए जो देश खातिर टुकड़ों में सदियों दरियों में अरे रचना आंसू ठहर करे रचना आंसू ठहर करे क्यों सुरमानी होगी बहुत बहुत धन्यवाद।